आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो कि इस गर्मियों में हमें ठंडक देगी। इस भयंकर गर्मी में इस ड्रिंक को पी के हमें बहुत ठंडक महसूस होगी, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होगा, साथ ही साथ ये तुरंत बन के तैयार हो जाता है। तो इस गर्मी में इस ड्रिंक को बनाएं और ख़ुद को रिफ्रेश करें। अगर आपको भी हमारी इस ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। उसके लिए एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लें, उसमें एक कप दही डालेंगे। ये घर की ताज़ा दही है, इसके लिए जब भी दही लें फ्रेश दही लें। ये एक कप दही है। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच बीटरूट पाउडर डालेंगे। बीटरूट पाउडर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। एक कप दही लेंगे तो उसमें एक कप ही ठंडा पानी डालेंगे। इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। एक बार ब्लेंड करके अब इसमें एक चौथाई चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये हमने जीरा को सेक के और दरदरा पीस लिया है, स्वादानुसार नमक, बिल्कुल थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डालेंगे, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डालें, हरी मिर्च को काट के डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। आप चाहें तो इन दोनों को चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, मिर्च आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह काट के डालें। इन्हें फिर से हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक से दो बार इन्हें चला लेना है। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, पर अच्छा यही होगा कि आप इसमें आइस क्यूब ऐड ना करें। ये हमारा बीटरूट से बना हेल्दी ड्रिंक रेडी है। घर पर कैसे आप आसानी से बीटरूट पाउडर बना के स्टोर कर सकते हैं, ये आप हमारे चैनल शिवा मोना की रसोई में देख सकते हैं।